दिवाली के समय सोने और चांदी की खरीदारी शुभ मानी जाती है। माना जाता है कि सोना और चांदी खरीदने से घर परिवार में धन और सुख समृद्धि बढ़ती है। ऐसे में फेस्टिव सीजन से पहले सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव होना लाजमी है। साथ ही सोने के भाव में तेजी टेंशन की वजह भी बन सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में वेडिंग सीजन शुरू होने वाला है। फिलहाल दिवाली से पहले सोने चांदी की कीमतों का क्या हाल है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। देश भर में सोने की कीमतों में 200 रुपए तक की कमी आई है, जिससे उत्तर भारत के बड़े शहर जैसे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ और जयपुर में 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 77,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। कई शहरों में गोल्ड प्राइस में 200 रुपए तक और कम हुए हैं। मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में सोने की कीमत 77,300 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास है। वहीं चांदी की कीमतों की बात करें तो चांदी के दाम 96,900 रुपए प्रति किलोग्राम है। नोएडा, लखनऊ, जयपुर और गाजियाबाद में 22 कैरेट सोने की कीमत लगभग 77,540 रुपए प्रति 10 ग्राम है। इसके अलावा 22 कैरेट सोने की कीमत लगभग 71,090 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुकी है। पटना में 22 कैरेट सोने की कीमत 77,440 रुपए प्रति 10 ग्राम है। साथ ही अभी 22 कैरेट सोने को 70,990 रुपए प्रति 10 ग्राम तक में खरीदा जा सकता है। भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोने की कीमत 77,390 रुपए प्रति 10 ग्राम है। इसके अलावा 22 कैरेट सोने की कीमत 70,940 रुपए प्रति 10 ग्राम है। मुंबई की बात करें तो यहां 22 कैरेट सोने की कीमत 70,940 रुपए प्रति 10 ग्राम है। कोलकाता में 22 कैरेट सोने की कीमत 77,390 रुपए प्रति 10 ग्राम है और 22 कैरेट सोने की कीमत 70,940 रुपए प्रति 10 ग्राम है। इंदौर में 22 कैरेट सोने का भाव 70,990 रुपए है और 24 कैरेट सोने का भाव 77,440 रुपए प्रति 10 ग्राम है, यानी 1 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 7,744 रुपए है। अब देश की राजधानी दिल्ली का हाल जान लेते हैं। मंगलवार को यहां 50 रुपए की गिरावट के साथ सोने का भाव 78,650 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। ऑल इंडिया बुलियन एसोसिएशन के अकॉर्डिंग 99% प्योर गोल्ड सोमवार को 200 रुपए बढ़कर 78,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। साथ ही चांदी की कीमत 1,000 रुपए गिरकर 92,500 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। आने वाले त्योहारों पर अगर आप गोल्ड खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज ना करें। हमेशा हॉलमार्क देखकर ही गहने खरीदें, क्योंकि यही सोने की सरकारी गारंटी है। भारत में हॉलमार्क को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS डिसाइड करता है। हर कैरेट का हॉलमार्क नंबर अलग अलग होता है, जिन्हें ध्यान से देखना जरूरी है। जाते जाते ये भी बता देते हैं कि आमतौर पर धनतेरस पर गोल्ड और सिल्वर की शॉपिंग की जाती है। इस साल धनतेरस 29 अक्टूबर को है। इस दिन अब सोने चांदी की खरीदारी जरूर करें। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें लोकल टीवी।